कश्मीरी गलाई की टीम इस टाइम खड़ी है कैजुअल लेबर शफकत हुसैन चीज मेजर तरीके से या गुजारिश करते हैं अपनी चलम के माध्यम से। हेलो एंड वेलकम टू कश्मीरी गलाई। कश्मीरी गलाई की टीम इस टाइम खड़ी है वाइल्ड लाइफ एरिया पुशरू में, जो कांडीवारा से कोई 1 किलोमीटर नीचे वाका है। जानकारी के मुताबिक हम यहाँ इस वजह से पहुँचे हैं ताकि यहाँ एसर्टेन किया जाए कि एक फॉरेस्ट फायर जो है वो वाका हुआ है इस वाइल्ड लाइफ एरिया में। तो हम भी यहाँ विजिट करने के लिए पहुँचे ताकि हम भी ये एसर्टेन करें कि ये आग कितनी फैली हुई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से ये आग लगातार जलती आ रही है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने जो देखा कि ये आग कितनी ज़्यादा फैली हुई है, आग बहुत तेज़ी से आगे फैल रही है, जिसको बुझाने की कोशिश जो है लाइफ कैजुअल लेबर जो है वो इस आग को बुझाने की पूरी ज़ोरों शोर से कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आग किसी न किसी तरीके से फैलने से बचाई जा सके। तो वो भी इनके जानकारी के मुताबिक वो पिछले 2 दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं और कल रात 1 बजे तक वो यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन चूंकि कम मदद मिलने की वजह से वो आग को ज़्यादा फैलने से नहीं बचा पाए। क्योंकि 3 बंदे हैं यहाँ पर इस टाइम हमारे साथ, ये 3 बंदे क्या ही कर सकते हैं इस आग को। हम अपनी चैनल के माध्यम से वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों को, ये आला हुकाम को ये बताना चाहते हैं कि पिछले 2 दिनों से अगर ये आग जलती आ रही है तो आपने इनके लिए मदद क्यों नहीं भेजी। हम भी इनके साथ बात करके देखते हैं कि ये आग का जो काज है वो क्या है और इस आग को ये फैलने से बचाने के लिए आगे क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं कैजुअल लेबर शफकत हुसैन चेची बोल रहा हूँ कांडीवारा से। अच्छा, आप कांडीवारा से यहाँ आए। जी सर। तो ये आग कब से लगी हुई है यहाँ पर? इसको 2 दिन हो गए सर, 2 दिन हो गए हम कंट्रोल कर रहे हैं, मगर हवा की वजह से ये कंट्रोल नहीं हो रही है। तो कितने बंदे अभी टोटल यहाँ पर काम कर रहे हैं इस पर? तो हम 3 मौके पर हैं, तो और 2-3 ऊपर हैं, 6 बंदे हैं। तो कुछ बता सकते हैं कि ये कितने एरिया में पूरी आग फैली हुई है? ये लगभग 2-3-4 किलोमीटर में। तो 4 किलोमीटर में 6 बंदे आग बुझा रहे हैं, तो कैसे हो गए? सर, रात आए थे हमारे साथ वाइल्ड लाइफ के भी सब मुलाजिम थे, यहाँ पूरा स्टाफ स्टाफ है, तो और प्रोटेक्शन आई थी खानाबल से सर। हमारे साथ रात को बहुत नफरी थी सर, तो इस टाइम मतलब इस टाइम भी हमारे साथ नफरी है, मगर ऊपर ऊपर आग बहुत दूर है, हमारा जो फरेस्ट साहब है वो भी ऊपर है, ठीक है ना, और जो हमारे मुलाजिम हैं यहाँ के इंचार्ज हैं तमाम ऊपर हम लगे हुए हैं, कैजुअल लेबर भी जो हैं यहाँ पे वो सब काम पे लगे हैं, मगर हवा की वजह से ये हमारे से कंट्रोल आग पे नहीं हो सका, क्योंकि हमारे पास सामान भी नहीं है, डिपार्टमेंट की तरफ से सामान नहीं है, ये जो बेल है मतलब ये हम घर से लाते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आपने देखा, जो भी सामान इनके पास है वो उन्होंने घर से लाया हुआ है इस आग को बुझाने के लिए। डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे इंसिडेंट्स को बचाने के लिए कोई भी जो है वो टूल किट जो है प्रोवाइड नहीं किया गया है मुलाजमीन को। आला हुकाम से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे साथ हेल्प करिए, कहीं से भी हमें इस आग पे कंट्रोल करना चाहिए। तो हम भी अपने जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हम डिपार्टमेंट को मोदीबाना गुजारिश करते हैं कि वो हेल्प भेजे ताकि इस आग को आगे फैलने से रोका जा सके, और हम भी अपनी चैनल के माध्यम से लोकल्स तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकल्स का एक एसेट है, इसको बचाना उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका फ़र्ज़ बनता है। ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ या प्रोटेक्शन वालों का या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इसको बुझाने के काम करे, ये लोकल्स का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो इसको बुझाने के लिए अपना जो है योगदान या अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो इस टाइम पेश कर सके। तो हम लोकल्स को मोदीबाना गुजारिश करते हैं अपने चैनल के माध्यम से वो इस स्पॉट पर पहुंचे और इन भाइयों की मदद करें ताकि इस आग को आगे ज़्यादा फैलने से रोका जा सके। तो जैसा कि हमने देखा कि ये बंदे जो हैं इस दर काम पे लगे हुए हैं, और इनसे बात करके ये भी पता चला कि ये कल रात से बल्कि कल दिन से ही यहाँ पर काम पे लगे हुए हैं इस आग को काबू करने में, और इनकी कुछ ग्रीवियंसेस हैं उनको भी हैं उनको भी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दसरम चेची है सर, मैं कांडीवारा से बोलता हूँ। हम जनाब जब आग लगती है जो भी हादसा होता है वाइल्ड लाइफ में हम हाज़िर हो जाते हैं रात दिन भर, तो हमें तनख्वाह कुछ नहीं मिलती है सर, 24 घंटा हम ड्यूटी देते हैं हमें तनख्वाह के बगैर, तो हमें ईद पे भी तनख्वाह नहीं दी है कुछ भी सर। बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम वो स्कूल जाते हैं, हम स्कूल के लिए भी हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, अब इसमें फंस गए हम काम पे भी नहीं जा सकते, सैलरी नहीं मिल रही है सर हमें कुछ भी।
तो ये सारे कैजुअल लेबर्स हैं, इनकी ये ग्रीवियंस है कि इनको टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, और इनसे बात करके ये भी पता चला इनको ईद पे भी जो है वो सैलरी नहीं मिली, जबकि ईद पे हर एक शख्स को सैलरी मिल जानी चाहिए। इवन अगर किसी ने ऑलरेडी सैलरी ली हुई है उसको एडवांस में सैलरी मिल जाती है ईद पे। तो इनकी ये जो ग्रीवियंस है ये जेन्युइन ग्रीवियंस है, ये जेन्युइन डिमांड है। अगर ये 24 घंटा काम करते हैं तो इनको जो है इनकी ग्रीवेंसेस को भी एड्रेस करना चाहिए, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये भी आगे जो इस काम के लिए इनको रखा गया है उसका ये ध्यान अपनी पूरी ईमानदारी के साथ रख सके। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग कश्मीरी गलाई।